हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू नोवल। यह वीडियो सोल लैंड 5 की नोवल पर बेस्ड पार्ट 60 है। तांगसन ने दोनों ही प्लांट टाइप ओपोनेंट की ब्लडलाइन को एब्जॉर्ब कर लिया होता है, जिससे अब तांगसन इसका यूज करने वाला होता है। स्पाइडर ट्री का मार्क ब्लैक होता है। तांगसन इसे धीरे धीरे करते हुए 2QE ब्लू सिल्वर एम्परर के पास लेकर आता है, जिसे काफी मुश्किल के साथ ब्लू सिल्वर एम्परर ने एब्जॉर्ब कर लिया होता है और इन यांग वायलेंटली तरीके से घूम रहे होते हैं, जो उस ट्री की पावरफुल एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करने लगते हैं, जिससे वह कुछ ही टाइम में ठीक हो जाते हैं। इससे ब्लू सिल्वर एम्परर की वाइन भी डार्क कलर की हो जाती है। इससे जो तांगसन का ब्लू सिल्वर का मार्क ब्रेक हुआ होता है, वह भी ठीक होने लगता है। इस तरह से तांगसन को काफी फायदा हुआ होता है और इस तरह से कल्टीवेशन करते हुए सुबह हो जाती है। साथ ही रात के कल्टीवेशन के कारण तांगसन 9 टियर के करीब आ जाता है, जिसे और सप्रेस नहीं किया जा सकता है। आज सिंगल मैच होने वाला है। वहीं स्वार्ड सेंट तांगसन में हुए चेंजेस को देख पा रहा होता है, जिससे तांगसन कहता है, कल मेरा मूड काफी अच्छा था। इस पर स्वार्ड सेंट ने हंसते हुए कहा होता है, पावर ऑफ लव। इसके बाद तांगसन ने टॉपिक बदल दिया होता है। इस तरह से तांगसन स्वार्ड सेंट की बढ़ी हुई पावर के बारे में बात करने लगता है। फिर स्वार्ड सेंट भी बताने लगता है। आगे स्वार्ड सेंट ने भी अपनी ब्लडलाइन की पावर को समझते हुए कुछ नया किया होता है, और जब वह सब तांगसन को बताता है तो तांगसन उसे देखकर हैरान होता है। फिर तांगसन उसे और कुछ टिप देता है और आगे प्रैक्टिस करने के लिए भी कहता है। यह दोनों ही यहां बात कर रहे होते हैं, तभी पीछे से मेई की आवाज आती है। वह कहती है, ब्रदर तुम यहां हो। यह देखते हुए स्वार्ड सेंट फिर से तांगसन की टांग खींचते हुए जाने लगता है और यह दोनों बातें करते हुए अपनी सही जगह पहुंच जाते हैं। और काफी देर बाद मेई सूरा से पूछती है, क्या तुम्हें पता है हमारा ओपोनेंट कौन है? इस पर तांगसन ने कहा होता है, जो होगा हम उससे निपट लेंगे। कुछ ही देर में इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन का सेकेंड राउंड शुरू हो जाता है। एक एक करते हुए राउंड होने लगते हैं और घायलों की संख्या भी अधिक होने लगती है। तांगसन यह सब देखते हुए काफी कुछ एनालाइज कर रहा होता है। फिर तांगसन की भी फाइट का टाइम हो जाता है। तांगसन के सामने जो ओपोनेंट होता है, तांगसन उसे बिल्कुल भी नहीं पहचानता है। वह बस इतना जानता है वह घुष्ट ट्राइब से है। यहाँ तक स्वार्ड सेंट और मेई को भी उसकी कोई जानकारी नहीं होती है। मेई कुछ सीरियस होती है, क्योंकि मेई यह तो समझ सकती है कि वह कोई फर्स्ट क्लास ब्लड लाइन से ही होने वाला है। तांगसन ने हाथ में टेलीपोर्टेशन डिस्क रखी होती है और टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन तांगसन ने यहाँ टेलीपोर्ट डिस्क का यूज नहीं, बल्कि तांगसन ने पिकॉक चेंज का यूज किया होता है, जिससे किसी को यह पता ना चले तांगसन ने टेलीपोर्टेशन डिस्क को दिखाया होता है। और इससे टेलीपोर्टेशन डिस्क की एक प्रकार से एडवर्टाइजमेंट भी हो जाएगी। तांगसन का ओपोनेंट भी अपने हाथों को खोल लेता है, जिससे उसके पीछे पावरफुल वाइन निकलते हुए दिखाई देने लगती है और उन पर भी जल्दी ही फूल उगने लगते हैं। मेई यह देखते हुए कहती है, सनफ्लावर एसेंस क्लैन। यह सुनते ही स्वार्ड सेंट ने हैरानी से कहा होता है, तुम्हारा मतलब तियानजिंग एम्परर की माँ? अब मेई सीरियस हो जाती है। सनफ्लावर एसेंस रेस काफी पावरफुल रेस है। यह काफी पुरानी ब्लड लाइन होती है और तियानजिंग एम्परर खुद इसी रेस से रिलेटेड है। हालांकि फिर भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है, यह गोल्डन मैमथ से ज्यादा पावरफुल है, जिससे इस बार ऐसा जरूर कहा जा सकता है तांगसन की किस्मत इतनी भी खराब नहीं है। लेकिन तांगसन सोच रहा होता है, आज उसने यहाँ आने से पहले लक एबिलिटी का यूज नहीं किया तो क्या स्टोर किया हुआ बैड लक अपने आप ही आ रहा होता है? तांगसन के ओपोनेंट ने पावर ऑफ ब्लीडिंग की एबिलिटी का यूज किया होता है, जिससे टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा होता है। चारों ओर आग से भरी हुई लपटें दिखाई दे रही होती हैं। ऐसी स्थिति में फाइट करना तांगसन के लिए आसान नहीं है। तांगसन के ओपोनेंट को उसके एल्डर ने पहले ही काफी पढ़ा लिखा कर भेजा हुआ था, क्योंकि गोल्डन मैमथ को तांगसन हरा चुका था, जिससे वह आते ही तांगसन पर पावरफुल अटैक करने लगता है। तांगसन ने फिर से टेलीपोर्टेशन डिस्क का यूज किया होता है और हाथ में क्रॉसबो होता है, और तांगसन ने क्रॉसबो शूट कर दिया होता है, जिसमें लिंगर पावर का यूज किया होता है और स्पीड के लिए जिन पेंगुइन की पावर का यूज भी किया होता है, जिससे उन क्रॉसबो बोल्ट की स्पीड काफी ज्यादा हो जाती है और दर्जनों भर क्रॉसबो एरो दिखाई देते हैं। ओपोनेंट भी तांगसन पर सनफ्लावर की हेल्प से लेजर बीम के जैसे अटैक कर रहा होता है।
जिससे तांगसन क्रॉसबो को शूट करते हुए तुरंत ही टेलीपोर्ट हो जाता है। आगे तांगसन ने देखा होता है उसके क्रॉसबो एरो के कारण वह मारा जाता है और फिर कुछ ही समय में वह फिर से जनरेट हो जाता है। तब तांगसन समझ जाता है उसे मारने के लिए उसके सनफ्लावर को खत्म करना होगा। वह भी तांगसन का प्लान समझ चुका होता है जिससे उसके अटैक इंटेंस होने लगते हैं। पूरा ही 200 मीटर का रिंग धधकती आग की लपटों से घिरा हुआ होता है। यह मैच तांगसन के लिए जब तांगसन ने हुआंग से फाइट की हुई थी उससे भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। तभी तांगसन ने अपने स्काई ब्रेकिंग हैमर को निकाल लिया होता है। इसके तुरंत बाद डार्क ब्लू कलर की बेल निकलती है और स्काई ब्रेकर हैमर को घेर लेती है। इसके साथ ही इंग और यान भी एक्टिव हो जाते हैं जिससे ब्लू सिल्वर एम्परर उस आग में आसानी से नहीं जलने वाला है और तांगसन इसी के साथ हैमर से अटैक करने लगता है। अब तक तांगसन के कपड़े बाल सब कुछ जलने लगते हैं लेकिन अब तक तांगसन भी अपने हैमर से उसके सनफ्लावर को काफी नुकसान पहुंचा चुका होता है। लेकिन तांगसन का बचना या जीतना फिर भी काफी मुश्किल होता है। तभी तांगसन के अंदर से आवाज आती है, फादर यह काफी ज्यादा गर्म और घिनौना है। यह सुनते ही तांगसन हैरान हो जाता है और कहता है, जिंग जिंग क्या तुम जाग रही हो? इससे तांगसन को डर और राहत दोनों ही एक साथ महसूस हो रहे होते हैं। इसके साथ ही जिंग जिंग का मार्क फ्लैश होने लगता है जैसे कि एक क्रिस्टल फ्लैश कर रहा होता है। तभी तांगसन को काफी ज्यादा अजीब एहसास होता है जो चारों ओर घूम रहा होता है। फिर तांगसन खुद के अंदर सनफ्लावर क्लैन की पावर को फील करता है जिससे तांगसन ने भी जल्दी ही उसकी ब्लड पावर के सेंटर को फील किया और कोर तक पहुंच जाता है। फिर तांगसन उस पर हैमर से अटैक करने लगता है। जिंग जिंग की आवाज सुनाई देती है, वह कहती है, पिताजी मारो। इसी के साथ क्रिस्टल मार्क फिर से फ्लैश होने लगता है। वहीं तांगसन को ओपोनेंट इससे बचने के लिए लगातार भागने लगता है। तब तांगसन ने देखते हुए तुरंत ही क्रॉसबो से अटैक कर दिया होता है जिससे सनफ्लावर वाइन बिखर जाती हैं, अनेकों फूल बेकार हो जाते हैं। तभी बेबसी से भरी आवाज आती है, मैंने हार मान ली है। तांगसन जीत तो जाता है लेकिन तांगसन की हालत भी खराब हो चुकी होती है। तांगसन बुरी तरह से झुलस जाता है। यदि अभी की स्थिति में जिंग जिंग टाइम पर हेल्प नहीं करती तो तांगसन अपने डोमेन का यूज करने वाला था। वहीं सनफ्लावर की आवाज आती है, वह तांगसन से पूछने लगता है, तुम्हारे हैमर का मटेरियल क्या है? लेकिन तांगसन इसका सीक्रेट नहीं बता सकता है और वह तांगसन से इसे खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। तब तांगसन ने जवाब में उसे डिवाइन वेपन कहा होता है जिससे वह चुप हो जाता है। साथ ही वह तांगसन से दोबारा मिलने के लिए कहता है। इसके बाद तांगसन से वह पूछने लगता है और कहता है, वैसे तुम्हें कैसे पता चला मेरा यांग हार्ट कहाँ है? तब तांगसन ने कहा होता है, मैं लकी था, क्या तुम इसे मान सकते हो? इसके बाद वह अपना नाम सिया बताता है और वह बाद में मिलने के लिए कहता है। अब तांगसन ने जिसे हराया होता है वह तियानयांग पैलेस के टॉप 10 सक्सेसर में से एक है और वह हारा भी किस से गया? तांगसन एक इंसान से जिससे भीड़ काफी ज्यादा शोर शराबा करने लगती है और कहती है, इस इंसान के पास कोई खास एबिलिटी नहीं है, वह बस कुछ फॉर्मेशन और वेपन का यूज करता है। यहाँ किसी ने पावरफुल घोस्ट ट्राइब को हरा दिया, वह भी एक इंसान के द्वारा। यह बात किसी भी डीमोन को डाइजेस्ट नहीं हो रही होती है लेकिन तांगसन किसी पर ध्यान न देते हुए वापस चला जाता है। तभी मई भी जल्दी ही तांगसन के पास आ जाती है। वह तांगसन से उसकी हालत के बारे में पूछने लगती है। कुछ टाइम यह इसी तरह से बातें करते रहते हैं। फिर स्वार्डसेंट का मैच होने वाला होता है। तांगसन भी इसे देखने के लिए अपनी हालत के कुछ सही होने के साथ बाहर आ जाता है। इस मैच को पिकॉक किंग भी देख रहा होता है क्योंकि उस दिन सूरा से पिकॉक किंग को पता चला होता है सूरा और स्वार्डसेंट कैरी सिटी से ही हैं। साथ ही पिकॉक किंग पूरा होमवर्क करके बैठा हुआ होता है। सूरा या स्वार्डसेंट ने वहां के कॉलिजियम में क्या क्या किया था यह सब जानकारी पिकॉक किंग को होती है। पिकॉक किंग खासतौर पर तांगसन के बारे में जानना चाहता है जिसके लिए उसने मेई से भी पूछा होता है लेकिन मेई से उसे ज्यादा जानकारी नहीं मिली होती है। वहीं अब तक स्वार्डसेंट स्टेज पर पहुंच जाता है। स्वार्डसेंट का ओपोनेंट भी गोल्डन मेमथ क्लैन से ही होता है। उसके हाथों में भी दो हैमर होते हैं। तांगसन ने तो इससे जीतने के लिए अपनी इन यांग की पावर का यूज किया हुआ था लेकिन स्वार्डसेंट ऐसा नहीं कर सकता है। रेफरी के इशारे के साथ यह मैच जल्दी ही शुरू होता है।
गोल्डन मैमथ अपने हैमर को लेते हुए स्वॉर्ड सेंट की ओर बढ़ जाता है। स्वॉर्ड सेंट भी उसी तरफ बढ़ता है, साथ ही उसने लिंगर पावर में विस्फोट किया होता है जिसे कोई सामान्य डीमोन तो नहीं समझ सके, लेकिन जो वीआईपी डीमोन होते हैं वह समझ जाते हैं। दरअसल लिंगर रोर के साथ मैमथ की बॉडी में कुछ चेंजेस हो जाते हैं जिसे ब्लड वेसल सप्रेशन कहा जाता है। यह कुछ ऐसा था जिसे केवल ग्रेट व्हाइट टाइगर एम्परर के अलावा कोई और नहीं कर सकता है, जिससे बाकी के लिंगर और टाइगर लाइन रेस भी चौंक जाती है। स्वॉर्ड सेंट ने रोर के साथ स्वॉर्ड को भी ऊपर किया हुआ होता है, जिससे वह स्वॉर्ड प्लेटिनम गोल्डन कलर की फ्लेम के साथ एक्टिव हो जाती है। पहली स्लैश के साथ ओपोनेंट के हैमर कट जाते हैं, हालांकि ओपोनेंट ने फिर से हैमर उठा लिया होता है, लेकिन स्वॉर्ड सेंट बिना रुके अपनी अटैक कंटिन्यू रखता है और थर्ड स्ट्राइक में गोल्डन मैमथ की नाक और मुंह से ब्लड निकलने लगता है। और फिर फिफ्थ स्ट्राइक में स्वॉर्ड सेंट और गोल्डन मैमथ दोनों को ही काफी ज्यादा चोट आ जाती है। हालांकि अब स्वॉर्ड सेंट काफी घायल हो जाता है, स्वॉर्ड सेंट के मुंह से भी खून निकल रहा होता है और वह भी लड़खड़ा रहा होता है, लेकिन स्वॉर्ड सेंट फिर से अटैक करने के लिए आगे आता है। तभी गोल्डन मैमथ हार मान लेता है, स्वॉर्ड सेंट बैठ जाता है और हल्की सी मुस्कान होती है, साथ ही मुंह से खून भी निकल रहा होता है और अगले ही पल वह कांपते हुए बेहोश हो जाता है। गोल्डन मैमथ उसे देखते हुए ट्रू मैडमैन मान रहा होता है। रेफरी जल्दी ही स्वॉर्ड सेंट की जीतने का अनाउंसमेंट कर देता है। दूसरी तरफ वीआईपी टेबल पर लाइन और टाइगर डीमोन सोच रहे होते हैं, क्या यह सच में कर्स्ड रेस है? कुछ लोगों ने जल्दी ही स्वॉर्ड सेंट को रिंग से अलग करते हुए दूर कर दिया होता है। तांगसन ने भी उसे ठीक करने के लिए अपनी ज्वान टियान गोंग की मेथड का यूज करने लगता है। तभी अगले ही पल में स्वॉर्ड सेंट की आंखें खुल जाती हैं और स्वॉर्ड सेंट बताता है वह ब्लड वॉमिट तो सिर्फ दिखावा था, जिससे वह ओपोनेंट को उसकी जीत के सपने दिखा सकता था। मेई भी स्वॉर्ड सेंट की हालत के बारे में पूछने लगती है। इसी के बाद मेई का मैच होता है, लेकिन मेई का ओपोनेंट सेकंड क्लास की ब्लड लाइन से होता है, जिससे मेई को यह जीत काफी आसानी के साथ मिल जाती है। अब इसके 3 राउंड ही बचे हुए होते हैं। 300 से अधिक में से केवल 90 में से कुछ ही अधिक लोग बच पाए होते हैं। यहाँ से निकलने के बाद तांगसन सीधा दी इन सेक्रेट माउंटेन पर पहुंच जाता है, क्योंकि तांगसन पर सनफ्लावर की पावर का इफेक्ट होता है जिसे वह यहाँ पर स्टेबल कर सकता है। हालांकि तांगसन को इसकी कल्टीवेशन की ज्यादा जानकारी नहीं है और वह जिंग जिंग तांगसन की हेल्प करने के बाद वापस से सो जाती है। तांगसन ने जैसा सोचा होता है सब कुछ वैसा ही होता है। कुछ ही समय में तांगसन दूसरे माउंटेन पर भी चला जाता है। इसके बाद वापस होटल में दोस्तों के पास आ जाता है, जहां तांगसन को बुबिंगजी के अलावा सभी बदले हुए लग रहे होते हैं। उनकी कल्टीवेशन भी काफी बढ़ चुकी होती है। वह सभी कई बार सेक्रेट माउंटेन क्लिम कर रहे होते हैं और दुबई तांगसन से पूछने लगता है, क्या सच में तुम उस मैच में पार्टिसिपेट कर रहे हो? क्या वहां के ओपोनेंट कोलिजियम के ओपोनेंट से ज्यादा पावरफुल हैं? जिसमें तांगसन ने एक प्रकार से हाँ में ही जवाब दिया होता है। फिर तांगसन अपने ओपोनेंट के बारे में बताने लगता है। यदि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।